हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक। और नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड ओवरऑल नंबर सिस्टम की मास्टरी जर्नी में आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो, एक और सेशन, एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा एजेंडा है कि अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दिए जाएं कि किसी एक नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो आप उस नंबर के बारे में क्या डिराइव कर सकते हैं, क्या डिड्यूस कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो उसी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही इजी एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। और वो कहता है हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 10,000 हैव एग्जैक्टली 5 फैक्टर्स। तो ये हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 10,000 भी मैं भूल जाता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कहानी, छोटा परिवार सुखी परिवार, एक बहुत ही बेसिक आइडिया से कि एक नंबर है उसके 5 फैक्टर्स हैं, तो उस नंबर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको ये अपना जो बेसिक है वो तो पता ही होना चाहिए कि अगर नंबर हो प्राइम 1, प्राइम 2, प्राइम 3, डॉट डॉट डॉट, और उनकी पावर्स हो ए बी सी एक्सेट्रा, तो मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या है, वो है ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मास्टर कर ही लिया है, आइडियली लॉजिक भी समझ लिया है कि प्लस 1 क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, और प्रैक्टिस भी कर ली है। नहीं भी किया है और सिर्फ फॉर्मूला भी समझ में आता है तो भी ये गेम खेल सकते हैं, कोई खास चैलेंज नहीं होगा, राइट? तो ये कहानी फिर से, एंड अगेन मैं इसको हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 10,000 हैव एग्जैक्टली 5 फैक्टर्स को एक मिनट बाद में देखूंगा। स्टार्ट करते हैं ऐसे कि एक नंबर है उसके 5 फैक्टर्स हैं, आप नंबर के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसी स्टोरी को उठाइए कि ये ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है, हो सकता है सी प्लस 1 भी हो, बट छोटा सिंप्लीफाई लिखते हैं, बोलते हैं ये 5 के बराबर है। यहाँ डॉट 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 मार दीजिए चाहिए तो, कि सी प्लस 1, डी प्लस 1 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे ये नंबर तो छोटा सा ही है, 5 है, और ऊपर से ये नंबर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की स्पेशलिटी ये है कि अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए 11 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिखाइए, तो आप सिर्फ 1 इंटू 11 ही कर पाओगे, बिकॉज 11 के खुद के कोई फैक्टर्स ही नहीं होते। अगर मैं बोलूं 7 को, तो आप बोलोगे 1 इंटू 7 ही हो सकता है, या सिर्फ 7 के बराबर ही है। लेकिन अगर कॉम्पोजिट नंबर होता 12, तो आप बोल सकते थे 2 इंटू 6 हो सकता है 3 इंटू 4 हो, या हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 हो, ऐसे मल्टीपल तरीके बन सकते थे, या 1 इंटू 12 हो, ऐसा भी हो सकता है। सो बिकॉज ये नंबर प्राइम है, कहानी काफ़ी सिंपल हो जा रही है। बिकॉज ये नंबर प्राइम है, यहाँ पे कहानी काफ़ी सिंपल होने वाली है। 5 क्या है, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 बनता है, और कोई तरीका तो बनता ही नहीं है। इसलिए इस एग्जांपल से स्टार्ट किया ताकि हमें पहले बेसिक आइडिया तो एकदम जल्दी से दिख जाए, राइट? अगर ये 5 है, ए प्लस 1 5 है, तो ए की वैल्यू कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है। और b प्लस 1 अगर 1 है, मतलब है ही नहीं, या b की वैल्यू 0 है, मतलब कहानी में वो प्राइम नंबर की पावर 0 होने वाली है, मतलब एस सेम है सेम कि वो कहानी में 1 के बराबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? तो a 4 है, मतलब a 4 है। तो ये जो नंबर है जिसके मैं बात कर रहा हूँ कि 5 फैक्टर्स है, उसका मुझे स्ट्रक्चर मिल रहा है कि कोई तो प्राइम नंबर और उसकी पावर 4 होगी। अब आप उल्टा भी सोच लीजिए, अगर मैं आपको कोई एक ऐसा नंबर देता, मैं बोलता एक नंबर है वो कोई तो प्राइम नंबर रेज टू दी पावर 4 है, उसके कितने फैक्टर्स होंगे, आप सीधे बोलते हैं 4+1 फैक्टर्स होंगे, 5 फैक्टर्स होंगे। पी रेज टू 0 एक फैक्टर होगा, पी रेज टू 1 एक फैक्टर होगा, पी रेज टू 2, पी रेज टू 3, पी रेज टू 4, 5 आपको फैक्टर्स मिलेंगे, राइट? तो यहाँ तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अब पूरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत भी हो जाएगी, कैट लेवल का क्वेश्चन है। How many numbers less than 10,000 have exactly 5 factors? तो मेरे को 10,000 तक मैं जा सकता हूँ ऊपर, और ये मेरा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अभी सोच लीजिए, 2 चलेगा, 2 raise to 4 चलेगा, हाँ चलेगा, 2 raise to 4 तो बहुत छोटा सा नंबर होता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है मेरा कहानी में, 3 raise to 4। कैलकुलेट भी कर लीजिए साथ साथ में, थोड़ी मेहनत आपको लगेगी कि 3 क्यूब होता है 27, 3 raise to 4 होगा 81। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 रेस टू 4, 5 क्यूब होता है, सबको पता होता है 125, 5 रेस टू 4 शायद मेमोरी में ना हो, बट 125 इंटू 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 625 है। नेक्स्ट नंबर पे जाइए आप, 7 रेस टू 4 कर लीजिए, अब 7 रेस टू 4 शायद याद ना हो, सो 49 इंटू 49 करना है,
नाइन नाइन जा 81, 8 कैरिड ओवर, नाइन फोर जा 36, 8 44, फोर नाइन जा 36, 3 कैरिड ओवर, फोर फोर जा 16, 3 19, ये मेहनत तो आपको खुद करनी चाहिए। वन ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 and 9 14, और ये हो जाएगा 2 4 0 1, राइट। सो अभी ये जैसे मैं 7 पे पहुंचा तो ये मेरे को 2 4 0 1 पे आ गया, नंबर मेरे बड़े हो रहे हैं, मैं 10,000 तक जा सकता था। तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन नेक्स्ट मेरा प्राइम नंबर कौन सा है? 8 तो कॉम्पोजिट है, 9 कॉम्पोजिट है, 10 कॉम्पोजिट है, नेक्स्ट मेरा प्राइम नंबर आएगा 11 रेज टू 4। सो अभी आपको ये चेक करना है कि 11 रेज टू 4 मेरा 10,000 से बड़ा है कि नहीं है। तो 11 रेज टू 4 मतलब 121, 11 स्क्वायर होता है 121 और 11 स्क्वायर, तो आपको 11 रेज टू 4 मिल जाएगा, मतलब 121 इंटू 121 करना है आपको। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ी खुद से मेहनत करिए, एक सेकंड मतलब 15 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे आपको ये करने में, लेकिन जब भी आप नंबर निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन 10,000 बन जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या बनेगा, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 10,000? 1 2 3 4, 2 रेज टू 4 चलेगा, 3 रेज टू 4 चलेगा, 5 रेज टू 4 चलेगा, 7 रेज टू 4 चलेगा, दैट्स इट। अगला जो प्राइम नंबर है 11 रेज टू 4, वो आपका 10,000 क्रॉस कर जाएगा, इसलिए आपको वहां पे जाना अलाउड नहीं है, राइट। तो होपफुली आपको गेम समझ में आ रहा होगा, ये गेम तो इसमें एक्स्ट्रा था बिकॉज थोड़ा एक्स्ट्रा चैलेंज डाल देते हैं, वाई नॉट। लेकिन एसेंशियल गेम क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको दिया है, वो आपको नंबर वैल्यू मालूम है और आपको ये फार्मूला मालूम है, आप इसको लिखिए और फिर इसके बारे में सोचना शुरू करिए। यहाँ पे सोचना काफ़ी आसान था क्योंकि ये प्राइम नंबर था, इसलिए सिचुएशन सिर्फ एक ही बन रही थी। लेकिन अगर मैं कहानी थोड़ी चेंज कर दूँ और मैं अगर आपको बोलूँ एक नंबर है जिसके नंबर ऑफ लेकिन मैं अगर कहानी थोड़ी चेंज कर दूं और मैं बोलूं एक नंबर है जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो 6 बन रहे हैं, तो आप उस नंबर के बारे में क्या कह सकते हैं? ये सिर्फ वार्म अप के लिए, कोई स्टेटेड प्रॉब्लम नहीं है। एक नंबर है जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 हैं, तो आप नंबर के बारे में क्या कह सकते हैं, राइट। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा मन में क्लियर होना चाहिए। जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो P1 P2 P3 एक्सेट्रा ABC डॉट 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 कहानी चलती जाएगी। तो ये जो 6 है वो किसके बराबर है? ये A+1 × B+1, मे बी उसमें हो सकता है कहानी में C+1 भी हो, क्या पता, राइट, या D+1 भी हो। लेकिन अगेन ये नंबर मुझे हिंट देगा, 6 को आप 3 नंबर का प्रोडक्ट तो नहीं दिखा सकते। आप बोल सकते हो 1 × 1 × 6, लेकिन अगर आप बोलोगे ये 1 है, ये 1 है, ये 6 है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है मतलब A तो 0 हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगी, ये 1 है मतलब B 0 हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगी, मतलब ये है ही नहीं कहानी में। तो ये 1 × 1 × 6 कहानी बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। और मुझे ये भी दिख रहा है कि 6 को अगर मैं रखूँ तो वो ऐसा कुछ 2 × 3 बन सकता है या 1 × 6 बन सकता है। एक बार 1 तो ले सकते हैं, राइट, एक बार 1 लेने का भी क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखते हैं एक सेकेंड में। सो 2 × 3, तो कहानी बनाता हूँ, ये हो सकता है 2 हो, ये हो सकता है 3 हो। अगर ये 2 है तो A क्या बन जाएगा? 1, और B क्या बन जाएगा? 2। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर पे वापस जाइए, जो मेरा नंबर है वो हो सकता है कोई तो प्राइम नंबर हो, उसकी पावर 1 होगी, और दूसरा जो प्राइम नंबर है उसकी पावर 2 होगी। ये मेरा एक पॉसिबल आंसर है। अब यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये हो सकता है यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 7 हो, ये 2 हो, ये 11 हो। वो मुझे प्राइम नंबर्स के बारे में तो अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ये पता चल रहा है कि 2 प्राइम नंबर्स हैं, एक की पावर 1 है और एक की पावर 2 है। ऐसा हो सकता है, मैं ये वाली कहानी को फॉलो कर रहा हूँ, राइट, और ऐसे कनेक्ट हो रही है। 1 × 6, अगर मैं बोलूँ 1 × 6, तो A+1 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के, और B+1 किसके बराबर हो जाएगा? 6 के। दैट मीन्स A की वैल्यू हो जाएगी 0। A की वैल्यू 0, कोई एक प्राइम नंबर है उसकी वैल्यू 0, मतलब वो कहानी में है ही नहीं, सिर्फ 1 × समथिंग के बराबर है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। B+1 6 के बराबर है, तो B की वैल्यू हो जाएगी 5। अगेन वो स्ट्रक्चर पे जाइए, B की वैल्यू 5 है, तो आपका नंबर क्या बनेगा? नंबर इज इक्वल टू सम प्राइम नंबर रेज टू 5। अगेन
अगर मैं आपको ऐसा नंबर देता और बोलता इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, तो आप बोलते हैं 1 + 1 2 इंटू 2 + 1 3, 2 × 3 आपको 6 देता। मैं आपको ये नंबर देता और बोलता इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, तो आप बोलते सीधे सीधे 5 + 1 आपके 6 फैक्टर्स बनेंगे, राइट। तो आपको होपफुली गेम में दिख रहा होगा, पिछली बार प्राइम था तो कहानी एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान थी। एक्स्ट्रा चैलेंज वहाँ वो 11 स्क्वायर 11 रेज़ टू 4 या 10,000 क्रॉस करने की लिमिट तक आ रहा था, लेकिन यहाँ पे चैलेंज आने वाला है कि अगर मैं 6 लिख रहा हूँ तो उसको लिखने के कितने तरीके हैं, उतने पॉसिबल मेरे को आंसर्स मिलेंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह और बड़ा नंबर कर देता, मैं बोलता 12 है, तो अगेन कहानी में मेरे को और सिचुएशंस मिलती हैं, बिकॉज 12 को लिखने के तरीके और भी ज़्यादा हो सकते हैं। 1 × 12 हो सकता है, 2 × 6 हो सकता है, 3 × 4 हो सकता है, या 2 × 2 × 3 हो सकता है। तो सबके लिए आपके लिए अलग अलग सिनेरियो बनेंगे। चलिए ट्राई भी कर लेते हैं, वार्म अप ही कर रहे हैं अभी। तो आपको कहानी तो कहानी में यह बताया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका जो है वो 12 के बराबर है। तो एक एक करके देखते हैं, 12 = 1 × 12। अगर ये 1 × 12 a + 1 और b + 1 से मैच कर रहा है, आप इसको यहाँ पे 12 और यहाँ भी 1 लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कहानी में, राइट। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। तो मेरा जो अगर ऐसी कहानी है तो नंबर क्या बनेगा मेरा, सम प्राइम नंबर रेज़ टू 11। ये तो सबसे आसान वे है। कभी मैं आपको बोलूं कि किसी नंबर के 13 फैक्टर्स हैं, तो आप एक सिचुएशन तो बहुत जल्दी सोच सकते हो कि नंबर होगा पावर रेज़ टू 12, वन ऑफ द सिचुएशन, नॉट द फाइनल आंसर, राइट। तो ये बार बार देखना चाहिए कि एक कहानी तो हमेशा ये सिंपल वाली बनती है। हो सकता है 12 की जगह मैंने लिखा हो कि 2 × 6 है, तो अगर ये 2 × 6 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो जो मेरा नंबर है वो कैसा दिखेगा मुझे, कोई तो प्राइम नंबर रेज टू 1 और कोई तो प्राइम नंबर रेज टू 5। वापस जाइए, फॉर्मूला लगाइए इस पे नंबर ऑफ फैक्टर्स का, तो आप क्या करोगे, 1 + 1 5 + 1 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 6 करोगे, आपको 12 मिलेगा। और क्या हो सकता है कि 12 को 3 × 4 लिखा हो, इन दैट केस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। दैट मीन्स एक और तरीका इसी नंबर को सोचने का क्या होने वाला है, कोई तो प्राइम नंबर रेज टू 2 एंड कोई तो प्राइम नंबर रेज टू 3। अगेन फॉर्मूला लगाइए वापस, 2 + 1 3 इंटू 3 + 1 4, 3 × 4 आपको 12 दे देगा, राइट। तो इसी कहानी के साथ खेलते जा रहे हैं। और क्या हो सकता था, 12 को मैं 2 × 2 × 3 भी कर सकता था। दैट मीन्स a = 1, b = 1 एंड c = 2, राइट। a + 1 करोगे तो आपको 2 मिलेगा, b + 1 करोगे तो आपको 2 मिलेगा, c + 1 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। दैट मीन्स नंबर का फॉर्म क्या हो सकता है, कोई तो प्राइम नंबर जिसकी पावर 1 है, कोई एक और प्राइम नंबर जिसकी पावर 1 है, एंड कोई एक प्राइम नंबर जिसकी पावर 2 है। आप इस नंबर के बारे में सोचोगे और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे, ये अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, p1 p2 p3, इनका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3 4 × 3 आपको 12 मिल जाएगा। तो होपफुली आपको दिख रहा होगा कि गेम कहाँ पे आने वाला है, कि गेम यहाँ पे आने वाला है कि ये अगर नंबर ऐसा दिया हुआ है तो कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। एंड अगेन कहानी में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू दी होगी या कोई और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया होगा जिससे मुझे फाइनल आंसर मिल जाए कि ये वाला है या पिछला वाला है, या सिर्फ स्ट्रक्चर मिल जाए तो भी मेरे लिए काफी है, राइट। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, और हमेशा अगर प्रॉब्लम स्क्रीन पे दिख जाती है या कोर्स में फाइल में पहले मिल जाती है तो हमेशा खुद से ट्राई करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, रियल ग्रोथ फाइनली वहीं पे होती है, राइट। सो एक नंबर है, इफ एन इज अ नंबर हैविंग 11 फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर। अगेन 11 इज अ प्राइम नंबर, दैट मीन्स ये a + 1 × b + 1 वाली कहानी में मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 11 मिल रहा है, लेकिन 11 तो सिर्फ 11 × 1 ही होता है, राइट। और कोई तरीका नहीं है 11 लिखने का, मतलब a क्या होने वाला है, 10 होने वाला है, और b क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो मतलब भूल ही सकते हो, सीधे सीधे a + 1 पे आ सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा नंबर n था वो n क्या होने वाला है, सम प्राइम नंबर रेज टू द पावर 10।
वाह ये तो काफी जल्दी हो गया काम, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है। वो बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर। अभी मुझे ये एन स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका भी स्क्वायर करना है तो मुझे पी रेज टू 20 मिलेगा। मैं इंडाइसेस में स्किल मान के चल रहा हूँ ऑलरेडी। अभी ये नया नंबर है, इसको आप एन डैश बोल दीजिए, ये पी रेज टू 20 है, कोई तो प्राइम नंबर रेज टू 20। इस नंबर के या इस नंबर के कितने फैक्टर होंगे, 20+1, बस हो गया मेरा काम। एंड अगेन क्योंकि ये बिगिनर लेवल क्वेश्चन है, आई मीन ओवरऑल तो बिगिनर नहीं बोल सकते, लेकिन इस जर्नी में ऑलमोस्ट बिगनर लेवल क्वेश्चन है। एंड अगेन ईज कहाँ से आ रही है, बिकॉज जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो भी प्राइम नंबर था, तो उसकी वजह से मुझे प्रोडक्ट के सिनेरियो काफ़ी लिमिटेड मिल रहे थे और मेरा काम काफ़ी जल्दी हो जा रहा था, राइट। सो होपफुली वार्म अप हो रहा होगा और गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही होगी। एक और क्वेश्चन, एक और चैलेंज, देखते हैं क्या हो रहा है। इफ एन क्यूब हैज 28 फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन। तो एक नंबर है जिसके 28 फैक्टर्स हैं, तो अगेन 28 किन नंबर्स का प्रोडक्ट है उसी पे मेरी कहानी चलने वाली है। एक तरीका हो सकता है 1 × 28, राइट। क्यों, मुझे फॉर्मूला दिख रहा है अपने दिमाग में, राइट, ए प्लस 1 × b + 1 × c + 1 करके मुझे 28 मिल रहा है। तो एक सबसे सिंपल सिनेरियो तो ये हो सकता है कि 1 × 28 करके मुझे मिल जाए, तो उससे मेरे को ए की वैल्यू मिलेगी 0 और बी की वैल्यू मुझे मिलेगी 27। दैट मीन्स ये जो मेरा नंबर है इसको मैं एन बोलता हूँ एक मिनट के लिए, बड़ा सा एन। ये जो मेरा नंबर है ये कुछ ऐसा हो सकता है पी रेस टू 27, एंड एन की जगह पे मैं क्या कह रहा हूँ, ये एन क्यूब है, एन क्यूब इज इक्वल टू पी रेस टू 27। दोनों तरफ से क्यूब हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एन इज इक्वल टू पी रेस टू 9। अभी इस नंबर के कितने फैक्टर हैं, पी रेस टू 9 के कितने फैक्टर्स होंगे, 9+1, सीधे सीधे मुझे पता चल रहा है 10 फैक्टर्स होने वाले हैं। तो ये तो मेरा काम काफी जल्दी हो गया। क्या ये मेरा आंसर है, क्या इस सिचुएशन में कुछ और हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ट्राई करते हैं। 28 को तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 7 × 4 हो, और अगर ये 7 × 4 है, मतलब a प्लस 1 7 है और b प्लस 1 4 है, तो a की वैल्यू आएगी 6 और b की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू आएगी सॉरी 3। तो जो आपका नंबर बनेगा, ये यहाँ पे मैं n क्यूब की जगह बड़ा सा n लिख रहा हूँ, ये नंबर आपको मिलेगा सम प्राइम रेज टू 6 एंड कोई और प्राइम रेज टू 3। अगेन यहाँ पे ये एन क्यूब के बराबर है, सो एन क्यूब इज इक्वल टू दिस नंबर। दोनों तरफ से क्यूब हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक प्राइम नंबर स्क्वायर और दूसरे प्राइम नंबर का पावर 1 हो जाएगा। तो ये इस एन के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने वाले मेरे, 2+1 3, 3 × 2 मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे 6 मिलने वाले हैं। तो पिछली बार आपका आंसर आया था जब मैंने 28 1 × 28 माना था, तो आपको पावर 27 मिल रही थी, फिर क्यूब हटाने के बाद पावर 9 मिल रही थी, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका 10 होगा, शायद मैंने बोला ना हो इस बार। और इस बार आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो 6 के बराबर मिल रहा है, तो ये कहानी भी मेरे लिए चलेगी। लेकिन और कहानी में ट्राई करूं और बोलूं कि अच्छा ये 2 × 14 भी तो हो सकता है, और अगर ये 2 × 14 है तो a की वैल्यू, और अगर ये 2 × 14 है, मुझे पता है ये a प्लस 1 है, ये b प्लस 1 है, तो a की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है, और b की वैल्यू क्या आने वाली है, 13 होने वाली है। एंड दैट मीन्स जो ये नंबर है कैपिटल n, वो क्या है, सम प्राइम नंबर रेज टू 1 और कोई और प्राइम नंबर रेज टू 13। बट क्या ये नंबर एक्सेप्टेबल है, नहीं, बिकॉज ये नंबर एन क्यूब के बराबर है। अगर कोई भी नंबर को मैं क्यूब कर रहा हूँ उसकी जो भी पावर्स होंगी वो मल्टीपल ऑफ 3 तो होंगी ही होंगी, राइट। अगर मैं आपको बोलता 5 raised to 7 है और इसका क्यूब कर दिया है तो आपको क्या मिलता, 5 raised to 21, जो 3 का मल्टीपल है। कोई भी कहानी उठा लो, अगर आप उसको क्यूब कर रहे हो तो जो भी फाइनल पावर होगी वो 3 का मल्टीपल होगी। ये 13 तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, मतलब ये स्टोरी या 2 × 14 वाली स्टोरी मेरे लिए काम नहीं करने वाली है, राइट। सो आपको देखना पड़ेगा, आप किसी भी इस क्वेश्चन में नोटिस करो, मल्टीपल सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं, फिर उसको अपनी बाकी स्टोरी से कंफर्म या चेक करने का है, तो ये वाला मेरे लिए काम नहीं करेगा, 2 × 14 मेरे लिए काम नहीं करेगा।
28 लिखने के और क्या तरीके हो सकते हैं? 2 × 2 × 7 भी तो हो सकता है। अगर ऐसा है, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा, a = 1 हो जाएगा, b = 1 हो जाएगा एंड c = 6 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो बड़ा कैपिटल नंबर n है वो किसके बराबर है? p^(1), p^(2), एंड कोई तो p^(6). ये n क्यूब है और ये n क्यूब है इसके बराबर है p^(1), p^(2), and p^(3). अगर मैं ये क्यूब हटाऊंगा तो वंस अगेन ये मल्टीपल ऑफ थ्री नहीं है, ये मल्टीपल ऑफ थ्री नहीं है, ये है, तो ये वाली सिचुएशन भी मेरे लिए काम नहीं करने वाली है। तो मेरे लिए जो दो सिचुएशन थी वो कौन कौन सी है कि n क्यूब इज इक्वल टू सम प्राइम नंबर p^(27), जो पहली सिचुएशन थी, इसका मतलब है n इज इक्वल टू p^(9), इसका मतलब है इस नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कितने होंगे, आपको मिलेंगे 10। ये कहानी थी। और दूसरी कहानी हमने क्या फिगर आउट करी थी कि n जो, और इसके अलावा हमने दूसरी कहानी क्या फिगर आउट करी थी कि n क्यूब इज इक्वल टू सम प्राइम नंबर p^(6) एंड सम प्राइम नंबर p^(3), क्यों ये 7 × 4 आपको 28 दे देगा। और अगर n निकालूंगा तो मुझे मिलेगा p^(1)² and p^(2)1। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 3 × 2 मुझे मिल जाएंगे 6 फैक्टर्स, राइट। तो अगर ये आपको कहानी दूं, इफ n क्यूब हैज 28 फैक्टर्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, तो या तो 10 होगा या 6 होगा, बाकी कहानियां एलिमिनेट हो जाएंगी। तो मल्टीपल सिनेरियो तो इसमें आने ही वाले हैं, बिकॉज आपको आपको तो प्राइम कौन सा है वो भी पता नहीं चल रहा है, सिर्फ सिचुएशंस या नंबर के स्ट्रक्चर के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग गेम। तो अब तक तो होपफुली गेम बेसिक क्या है वो तो समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस रिवर्स हो रही है। आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स दिया जाएगा, वो किसी चीज का तो प्रोडक्ट होने वाला है, आपको वो प्रोडक्ट के सिनेरियोस बनाने हैं, राइट। अब इसके आगे जो जर्नी होने वाली है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की होने वाली है, कि कोई कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स होते जाएंगे, हम उनके साथ अपना कोर लॉजिक बार बार लगाते जाएंगे। तो देखते हैं आगे कहानी में क्या हो रहा है। काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मे बी पॉज करके खुद से ट्राई करिए, फिर डिस्कशन को देखिए। खुद से ट्राई करने के बहुत सारे लाइफ में फायदे हैं, राइट। तो बोलता है n has 24 factors, 2 × n has 30 factors and 3 × n has 32 factors, find the number of factors of 12 × n। तो मेरे पास इसको करने के दो तरीके हैं। पहले मैं इसको थोड़ा फॉर्मल तरीके से करता हूँ। फॉर्मल तरीका या इक्वेशन बना के काम करना एक्चुअली वीक लोगों के लिए होता है कि भाई मुझे कुछ भी सोचना नहीं है, मैं सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करता हूँ और देखता हूँ आगे क्या होता जा रहा है, राइट। तो ये जो भी नंबर है, ये इसमें जो 24 फैक्टर्स मेरे आ रहे हैं वो कुछ ऐसे आ रहे होंगे, a+1 × b+1 × c+1... मैंने सोचा भी नहीं कि क्या नंबर है, जबकि 24 बहुत आसान नंबर है, राइट। 24 आप सोचोगे कि 6 × 4 हो सकता है, 2 × 12 हो सकता है, लेकिन मैं इसको एकदम फॉर्मूला फॉर्म में ही छोड़ रहा हूँ कि 24 जो है वो a+1 × b+1 × c+1 है। अभी ये n था, नई कहानी में मुझे 2 × n कर दिया, राइट। दैट मीन्स अगर मान लीजिए एक नंबर होता जिसमें 2³ होता एंड 3^5 होता, कोई रैंडम नंबर बना रहा हूँ मैं, राइट, एंड 7³ होता। अब मैं इसमें अगर एक 2 और मल्टीप्लाई करता तो उसकी वजह से फर्क क्या पड़ता, ये वाली पावर 3 की बजाय 4 हो जाती, राइट। दैट मींस मान लीजिए a जो है वो 2 की कोई पावर थी, वो 1 से बढ़ जाती, ये 2 मल्टीप्लाई करने की वजह से 3 से 4 जा रही है। दैट मींस अगर मान लीजिए कहानी में जो प्राइम 1 था वो 2 था और उसकी पावर a थी, ये एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई करने की वजह से वो a+1 हो जाएगा, और फॉर्मूला में तो +1 है ही, राइट। सो a+2 ओवरऑल हो जाएगा फॉर्मूला में, a+1 तो नॉर्मल सॉल्यूशन था, अब a+1 + 1 कर रहे हो तो ओवरऑल a+2। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि अगर मैं 30 बोलूं तो वो कुछ ऐसे बन रहा है, a+2 आ गया होगा,
बाकी तो मेरे नंबरों में कुछ चेंज नहीं होगा, बी प्लस वन वैसे का वैसे रहेगा, सी प्लस वन वैसे का वैसे रहेगा। अभी ये नंबर दोनों दिख रहे हैं, इनको बस आपस में डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो ये बी प्लस वन सी प्लस वन तो मुझे कैंसिल होने वाला है, ए प्लस वन अपॉन ए प्लस टू मुझे क्या मिलने वाला है, सिक्स फोर एंड सिक्स फाइव, सो 4/5 मिलने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a+8 ये वाला इधर इज इक्वल टू 5a+5। थोड़ा मूव अराउंड करिए, ये 4a को इधर ले जाइए तो आपको क्या मिलेगा a, और 5 को इधर ले आइए तो 8-5 आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3। तो वाओ, आपको जो नंबर था उसमें कुछ तो एक हिंट मिल गई कि 2 की पावर जो है वो तो डेफिनेटली 3 होने वाली है। एक और 2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 2n, इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, राइट? तो ये फॉर्म एक्चुअली देखने में हो सकता लगे कि अरे ये तो मैं क्या नई टेक्निक लगा दी, मैं कुछ और तरीके से सोचना चाहता हूँ, और मेरे पास इसको करने का एक प्रैक्टिकल मेथड भी है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स के लिए है, वो उन लोगों के लिए जिनमें पहले से थोड़ा थिंकिंग कॉन्फिडेंस हो। ये मेरा वीकर मेथड है एक्चुअली, ये कोई भी ट्राई कर सकता है, राइट? बिकॉज मैंने इसे स्ट्रक्चर को फॉलो किया, ये नंबर लिखे और मुझे हिंट कहाँ मिली कि ये कैंसिल हो रहे हैं और ए की वैल्यू निकल सकती है, तो ए की वैल्यू मुझे मिली 3, तो नंबर में 2³ है, बाकी और कुछ भी होगा, और मुझे पता है उसके अंदर 3 भी है। क्यों? 2 से मल्टीप्लाई करने से फैक्टर में चेंज हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करने भी फैक्टर में इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 2 और 3 उसमें ऑलरेडी छुपे हुए हैं। इसके बारे में भी और बात करते हैं एक सेकंड के लिए। तो मैंने कहीं पे तो निकाल लिया, कहीं पे नोट कर लीजिए अपने लिए कि 2 की पावर 3 होने वाली है। तो यही कहानी अभी ये 3n वाले के साथ ट्राई करते हैं। मुझे पता है कि 24 इज इक्वल टू ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड 3n वाली कहानी में मुझे पता है 32 इज इक्वल टू, अभी जो a है वो तो मैंने 2 की पावर बना दी है, a करस्पॉन्ड्स टू की 2 जो प्राइम नंबर है उसकी पावर क्या होने वाली है, तो b को मान के चलते हैं कि 3 की पावर जो है b है। अभी एक एक्स्ट्रा 3 आ रहा है तो यहाँ बी प्लस वन की बजाय बी प्लस टू हो जाएगा, ये बी प्लस वन हो रहा है इसलिए ओवरऑल बी प्लस टू, एंड सी प्लस वन तो वैसे ही रहेगा, या डी प्लस वन जो वगैरह जो भी है मतलब सेम रहेगा। अभी वंस अगेन ये कैंसिल होने वाला है, ये कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे डिवाइड साइन लगा दीजिए, इसको सॉल्व करूंगा तो ये 8 3 24 4 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा, 3b+6 इज इक्वल टू 4b+4। इसको थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करिए तो इधर मिलेगा आपको 2 और आपको b की वैल्यू मिलेगी, 4b-3b करेंगे तो b की वैल्यू आपको मिलेगी 2। दैट मीन्स इस कहानी में जो 3 की पावर है वो 2 है, आपने 2 की पावर ऑलरेडी निकाल ली थी, 2 की पावर आ रही थी 3। अभी मैं नंबर के बारे में सोचता हूँ, तो जो मेरा जो नंबर है उसमें 2 की पावर है 3 एंड 3 की पावर है 2, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालूँ तो 3+1 4 होगा एंड 2+1 3 होगा, 4 × 3 करूँगा तो 12 भी आएगा, राइट? 4 × 3 करूँगा, लेकिन मुझे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 चाहिए था, मतलब 1, 2 और आने वाला है, मतलब कोई और एक प्राइम नंबर भी है, मुझे नहीं पता कौन सा प्राइम नंबर है क्या है, और उसकी पावर 1 होने वाली है। तो 3+1 4 2+1 3 1+1 2 एंड द प्रोडक्ट इज 24। अभी आप नोटिस भी कर लीजिए, बैक चेक भी कर लीजिए, आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा 2³ और 3 मिल जाएगा आपको 3³, और ये पावर तो ऐसी रहने वाली है प्राइम नंबर ऑफ पावर। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने वाले हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1+1 2, 4 × 4 16 × 2 32 मैच हो गया। इसमें अगर आप सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता नंबर, आपका बन जाता 2^4 × 3² × some prime number raised to 1। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, 5 × 3 × 2, ये 2+1 3 और 1+1 2, सो 5 × 2 = 10 × 3 = 30, सब मेरा कहानी में सब कुछ फिट आ गया है। तो जो मेरा नंबर है वो कुछ इस फॉर्म का है, क्या है मेरा नंबर, 2³ × 3² × p^1। अब क्वेश्चन क्या है, 12n, मतलब इसे 12 से मल्टीप्लाई करना है, और 12 क्या है, 2² × 3 है, ओवरऑल क्या बन जाएगा, 2³ तो है ही है और 2 आ गया, सो 2^5।
एंड 3 raised to 3, एंड ये प्राइम नंबर तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने वाले हैं, 5 + 1 = 6, 3 + 1 = 4, एंड 1 + 1 = 2। सो 6 4s are 24, एंड 24 2s are 48। सो आपके ओवरऑल फैक्टर्स और 12 एंड आपके 48 होने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ जाता है। कुछ कुछ चीज़ें सोचते टाइम या पहली बार सॉल्व करते टाइम आप एक्स्ट्रा भी सीख रहे हो नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में, कि इस नंबर का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, राइट। इसके साथ ही मैं थोड़ा और खेलना चाहता हूँ इसी आइडिया के साथ, कि अगर मैं एक नंबर बोलता 2 raised to 5 है एंड 3 raised to 4 है, इसमें अगर और मैं बोलता ये मेरा नंबर है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो आप बोलते 5 + 1 = 6 एंड 4 + 1 = 5, 6 × 5 आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स बन जाते 30। इसमें अगर मैं कोई रैंडम एक और प्राइम नंबर ले आता, 7 से मल्टीप्लाई करता था, कहता एन को 7n से 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या फर्क पड़ता आपका, ये आप नोटिस करिए, ये 1 है तो आप ये बोलते हैं ये 6 हो जाता 5 + 1, ये 4 + 1 = 5 हो जाता, और ये 1 + 1 = 2 हो जाता। तो 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 60 हो जा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं जो एक ऐसा नंबर लाऊं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा प्राइम नंबर लाऊं जो पहले कहानी में नहीं है, तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स में जंप है वो ऑलमोस्ट डायरेक्ट डबल हो रहा है, राइट। बिकॉज वो आप 1 तो ला ही रहे हो, 1 + 1 = 2 हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स डबल हो जाएगा। लेकिन इस कहानी में नोटिस करना था कि डबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए मुझे पता था कि कोई तो 2 है पहले से अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर फिर से जाते हैं और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या होता, ये बन जाता 2 raised to 6 एंड ये रहता 3 raised to 4। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, 6 + 1 = 7 एंड 7 × 5 = 35। सो नोटिस करिए, मैं 30 से 35 गया और 30 से 60 गया। 30 से 60 कब गया, जब मैंने यहाँ पे कहानी में 7 डाला था, यहाँ पे 2 की बजाय 7 डाला था। और अगर सिर्फ एक 2 ला रहा हूँ तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 35 हो रहा है। और खेलिए, खेलना ही सारा गेम है, राइट। यहाँ पे 2 की बजाय अगर मैं 3 ले आता तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता, ये 2 raised to 5 है और ये 3 raised to 5 हो जाता। नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके होते 6 × 6, 36 बन जाते। 30 से 36 जा रहे हैं वंस अगेन। लेकिन जब मैं नया नंबर लाया था तो जंप काफी बड़ा था, राइट। वो आप थोड़ा इंट्यूटिवली देखना चाहिए कि हाँ, एक नया नंबर लाऊंगा तो प्रोडक्ट में एक 1 + 1 = 2 आने वाला है, तो सब कुछ डबल होने वाला है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। शायद वो मैंने बिगिनिंग में मिस कर दिया हो, कि मुझे कैसे पता है कि n हैज 24 फैक्टर्स एंड 2n हैज 30 फैक्टर्स, तो 2 अंदर कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ है n के अंदर, वो शायद मैंने डिस्कस ना किया हो, डायरेक्ट चालू कर दिया हो, तो वो आइडिया भी यहाँ पे कवर कर लिया। तो होपफुली अब मज़े की क्वांटिटी बढ़ती जा रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा कि हाँ भाई, ऐसे गेम मुझे क्लैरिटी से समझ में आ रहा है और गेम के चैलेंजेस भी समझ में आ रहे हैं। इन 10 मिनट की मेहनत और ये फिर काफ़ी ईजी हो जाने वाला है, कन्वीनियंट टॉपिक हो जाने वाला है। इनफैक्ट आप जो कैट क्वेश्चन देखेंगे रिसेंट ईयर्स में आए हुए, वो इस लेवल के भी नहीं है, इससे नीचे ही हैं। ये तो हम लोग, हमारा काम है मेहनत करना, अपने ब्रेन को डेवलप करना, इसलिए इस पर काम करे जा रहे हैं। काफ़ी सिमिलर प्रॉब्लम, अब इस बार जल्दी हो जानी चाहिए, मेथड तो हमने सीख ही लिया है। कंसिडर एन इज इक्वल टू 2 raised to a × 3 raised to b। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन 2n and 3n इज 12:16:15, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6n। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम है, तो आपको ये नंबर तो दिया ही हुआ है, एन इज इक्वल टू 2 raised to a × 3 raised to b। अभी बताइए इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इस वाले नंबर के, राइट। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कितने होंगे, इतने होंगे। वो बोल रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2n, तो मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है। इसमें अगर मैं एक 2 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2n में यहाँ पे a प्लस 2 हो जाएगा, बाकी तो वैसे का वैसे ही रहेगा, b प्लस 1 ही रहेगा। इनफैक्ट इजियर प्रॉब्लम है, बिकॉज पिछली वाले में हमें कम इन्फॉर्मेशन पता थी, राइट।
और मुझे बताया हुआ है इसका रेशियो भी दिया हुआ है, वाओ 12:16 है। एंड इसको इक्वल कर देता हूँ, 4 3s are 12, 4 4s are 16, ये b+1 कैंसिल, आपको मिलेगा 4a+4 इज इक्वल टू 3a+6, आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 2। सो a इक्वल टू 2, 2 की पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a, लिखने राइट। सो ए की पावर 2 है, कहीं नोट कर लीजिए, कहानी को फिर से आगे बढ़ा रहा हूं मैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन कितना होने वाला था, a+1 × b+1 होने वाला था, एंड इस बार 3n, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3n। अगर मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई करूं इस कहानी में, तो ये क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, b+1 हो जाएगी, और फॉर्मूले में आपको एक और प्लस वन ऐड करना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, a+1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये b+2 बन जाएगा। अब तो गेम फेमिलियर होगा। इनका रेशियो भी दिया हुआ है, कितना है, 16:2, सॉरी कितना है, 12:15 है। बस सॉल्व करना शुरू करिए, 3 4s are 12, 3 5s are 15, ये a+1 इस बार कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5b+5 इज इक्वल टू 4b+8, बी को इधर ले आइए, सो बी 5b-4b करेंगे तो बी इज इक्वल टू 8-5 करेंगे 3। सो बी की वैल्यू मुझे मिल जा रही है 3, और आपको ए की वैल्यू पहले आ गई थी 2। दैट मीन्स ये जो मेरा नंबर है एन, ये है 2 raised to 2 × 3 raised to 3। अभी आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6n निकालना है, दैट मीन्स इसमें आपको एक 2 × 3 और मल्टीप्लाई करना है। सो जो मेरा नया नंबर है वो क्या बन जाएगा, 2³ × 3 raised to 4। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 3+1 4 एंड 4+1 5। तो ओवरऑल आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स ये 6n के लिए बन जाएंगे 20, राइट। तो अब तो ये ऐसा गेम भी काफ़ी आपको फेमिलियर लगने लग गया होगा, एंड एटलीस्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सिर्फ उल्टा डायरेक्शन जाना है, उसकी वजह से नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं, फिर टीचर आपके साथ या एग्जामिनर आपके साथ खेलता जा रहा है, वहाँ तो कोई खास चैलेंज नहीं होने वाला है, राइट। तो कोर कॉन्सेप्ट यही है, बार बार मल्टीप्लाई होता है, अब उसके ऊपर आपसे सामने वाला क्या करवा रहा है उसकी मर्जी है, राइट। इस सेशन के लिए एक लास्ट क्वेश्चन, वार्म अप और हो जाएगा अपना। इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर 6 and 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ a × b, ए एंड बी आर को प्राइम्स। तो सबसे पहले तो को प्राइम्स का मतलब पता होना चाहिए। को प्राइम्स ऐसे नंबर है जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 8 and 25, ये दोनों नंबर्स को प्राइम है, बिकॉज ये बाई themselves तो प्राइम नंबर्स नहीं है, 8 भी कॉम्पोजिट है, 25 भी कॉम्पोजिट है, लेकिन 8 के फैक्टर्स में है 1, 2, 4, 8, 25 के फैक्टर्स में है 1, 5, 25, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कोई नंबर ए एंड बी को प्राइम थे, तो उसमें ए में जो प्राइम नंबर्स होंगे prime 1, prime 2, बी में वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, prime 3, prime 4 अलग प्राइम नंबर्स होंगे। हो सकता है हाँ बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं हो सकता है, राइट। सो अलग अलग प्राइम नंबर से बने हुए कॉम्पोजिट नंबर्स आपस में को प्राइम होते हैं, राइट। तो वो पार्ट तो चैलेंजिंग नहीं है, कहानी है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर 6 and 8। तो पहले सोचते हैं 6 है, तो एक कहानी तो ये हो सकती है कि सिर्फ ए प्लस वन ही हो, राइट। ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन रहता है नॉर्मली, बट मैं कह रहा हूँ ये नहीं है, सिर्फ ए प्लस वन इज इक्वल टू 6 है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 5 है। ये सबसे ईजी कहानी है मेरी, अभी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, बिकॉज यार नंबर्स का नाम भी ए एंड बी था। तो मैं काम करता हूँ पहले अपना काम, बिकॉज फॉर्मूले में इतनी बार ए बी यूज कर लिया है, इसको एक्स एन वाई बोल देता हूँ, राइट, लाइफ आसान करने के लिए। तो ये ए मतलब पावर वाला, ये ओरिजिनल नंबर्स हैं एक्स एंड वाई। सो हो सकता है ए इज इक्वल टू 5 हो, दैट मीन जो मेरा नंबर एक्स है वो क्या हो, एक कोई तो प्राइम नंबर रेज टू 5 हो, ऐसी कहानी हो सकती है। और क्या हो सकता है,
सिक्स को लिखने का एक और तरीका हो सकता है, टू इंटू थ्री। ये बाय द वे सेम है एस कहना कि वन इंटू सिक्स, तो वन तो जीरो बन जाएगा, मतलब क्योंकि समथिंग प्लस वन करके आपको वन मिलता है और समथिंग प्लस वन करके आपको सिक्स मिल रहा है वो फाइव है, तो ये कहानी पहले भी देखी हुई है। दूसरी कहानी ऐसे हो सकती है, अगर ये टू इंटू थ्री है तो ए की वैल्यू क्या होगी वन और बी की वैल्यू क्या होगी टू। दैट मीन्स ये जो मेरा ए की जगह एक्स बोल रहा हूँ मैं, वो क्या होने वाला है, कोई तो प्राइम नंबर रेस टू वन एंड कोई और प्राइम नंबर रेस टू टू। तो ये कहानी हो सकती है या ये कहानी हो सकती है। लकीली सिक्स वंस अगेन छोटा नंबर है तो इसमें और ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आएंगे। तो एक्स के लिए मेरे पास ये दो पॉसिबल सिनेरियो बन रहे हैं। वही कहानी वाई के लिए देखते हैं, वाई के पास एट फैक्टर्स हैं। सो एक तो एट ऐसे ही हो सकता है कि सीधे सीधे ए प्लस वन करके एट आ रहा हो, दैट मीन्स ए की वैल्यू सेवन आ रही हो, और थोड़ा धीरे धीरे जाना है, एट मतलब वन इंटू एट प्रोडक्ट में अगर हमेशा देखना है। और वन का मतलब क्या होता है, जीरो प्लस वन करके वन आ रहा है, पावर किसी प्राइम नंबर की पावर जीरो है, ऐसा सेम है सेम कि वो कहानी में है ही नहीं। तो सीधे सीधे मैं जल्दी ले रहा हूँ ये स्टेप्स, ए इज इक्वल टू सेवन। और क्या हो सकता है, एट एट हो सकता है टू इंटू फोर हो, इन दैट केस क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वन हो जाएगा एंड बी इक्वल टू थ्री हो जाएगा, बिकॉज आप प्लस वन करते हो तो टू, प्लस वन करते हो तो फोर, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगेन इन दोनों का मतलब क्या है, वाई की कहानी में एक तो हो सकता है कोई तो प्राइम नंबर हो, और अगेन ये प्राइम नंबर वन, ये प्राइम नंबर वन एंड टू, ये कोई तीसरा प्राइम नंबर है एंड इसकी पावर हो सकता है सेवन हो, या ऐसा हो सकता है कि वाई कोई एक तीसरा प्राइम नंबर हो उसकी पावर वन हो, और एक कोई चौथा प्राइम नंबर हो उसकी पावर थ्री हो। इन दोनों केस में आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बन सके, बार बार शुरू में उल्टा जाना चाहिए। इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, सेवन प्लस वन एट। इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, टू इंटू फोर एट। टू कहाँ से आया, वन प्लस वन। फोर कहाँ से आया, थ्री प्लस वन, राइट। अब ये वाली पार्ट तो मेरी कहानी में हो गए। अब वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए इंटू बी, एंड ए इंटू बी नहीं है, एक्स इंटू वाई है, राइट। तो अभी क्या क्या हो सकता है, चलिए बना लेते हैं। हो सकता है ये कहानी हो एंड ये कहानी हो, एक्स एंड वाई का जब मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है ये एक प्राइम नंबर हो, ये एक प्राइम नंबर हो, तो ये क्या आएगा, प्राइम नंबर वन रेस टू फाइव, एंड यहाँ आएगा प्राइम कोई तो दूसरा है या तीसरा है उसकी पावर है सेवन। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे, फाइव प्लस वन सिक्स एंड सेवन प्लस वन एट, सिक्स इंटू एट आपको मिलेगा 48 फैक्टर्स, 48 फैक्टर्स आपके बनने वाले हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ये वाली स्टोरी हो और यहाँ पे ये वाली स्टोरी हो। चलिए उठा के देख लेते हैं, पी रेस टू सेवन, पी रेस टू सेवन, पी थ्री रेस टू सेवन जस्ट टू बी फॉर्मल, एंड पी वन रेस टू वन एंड पी टू रेस टू टू। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, सेवन प्लस वन एट, वन प्लस वन टू एंड टू प्लस वन थ्री। अरे वाओ, 16 थ्री ज़ा 48, तो मेरा आंसर तो दोबारा 48 ही आ रहा है। और क्या हो सकता है, ये वाली कहानी हो एंड ये वाली कहानी हो, तो अगेन कोई तो प्राइम नंबर वन उसकी पावर वन, कोई तो प्राइम नंबर उसकी पावर थ्री, और कोई एक और, इसको थ्री बोलता हूँ, कोई एक और प्राइम नंबर उसकी पावर फाइव। सो अगेन टू इंटू फोर एट, एट इंटू सिक्स 48, वन प्लस वन टू, थ्री प्लस वन फोर, फाइव प्लस वन सिक्स, तो वंस अगेन 48 आ रहा है। अब आप इस सिनेरियो को और इस सिनेरियो को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 48 ही मिलेगा। और धीरे धीरे जब आप ये गेम खेलेंगे, आप आई एम अज्यूमिंग 10 क्वेश्चन और ट्राई करेंगे खुद से, तो आप कई बार देखेंगे कि यहाँ पे एक मुझे पैटर्न मिल रहा है कि अरे मेरे पीछे एक बैकग्राउंड लॉजिक भी चल रही है, मेरा आंसर हमेशा 48 क्यों आ रहा है, इसके बारे में भी सोचते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बोला था 6 आया, दैट मीन्स ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन करके मेरे को 6 मिल रहा था, राइट। एंड अगेन ए प्लस वन बी प्लस वन हो सकता है, सी प्लस वन भी हो, डी प्लस वन भी हो, बैक टू अपन फॉर्मूला बेस्ड थिंकिंग पे जा रहे हैं। एंड जो दूसरा नंबर है, इसको अगेन मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ, एक्स एंड वाई कर दे रहा हूँ, इसको एक्स और इसको वाई कर दे रहा हूँ, इसको एक्स और इसको वाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सिडेंटली अपने फॉर्मूला में ए प्लस वन बी प्लस वन ऑलरेडी यूज है, राइट। एंड तो ये यहाँ पे 6 आ रहा था और दूसरे में 8 थे, लेकिन इस बार मैं कर देता हूँ, चलिए कोई और ही कहानी होगी, राइट, पी प्लस वन
इंटू क्यू प्लस वन। तो अभी आपका जो नंबर था, आप बोलोगे इस कहानी में आपका जो भी नंबर था एक्स, वो क्या था, पी रेस टू ए था, पी रेस टू बी था, अलग अलग है उसकी चिंता मत करो। एंड इस वाली वाई वाली कहानी में क्या था, पी रेस टू क्यू था, पी थ्री रेस टू क्यू था, एंड पी फोर रेस टू पी था। अभी जब आप एक्स इंटू वाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, पी वन रेस टू ए, पी टू रेस टू बी, पी थ्री रेस टू क्यू, पी फोर रेस टू पी। तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन, जो आपके पास पहले से ही है ना, वो सिक्स ही है। एंड यहाँ पे क्या आएगा, क्यू प्लस वन इंटू पी प्लस वन, वो भी आपको पहले से पता है एट है। तो सिक्स इंटू एट आप डायरेक्टली 48 पे आ सकते थे। हमने जो इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करी वो तो हमने सिर्फ, हमें मेहनत करने का शौक है इसलिए हमने करी, लेकिन हमारा गेम यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे आपको जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ईच प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी इनसाइट भी दे रही है कि अच्छा ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं। मैं पहले मेथड से भी कम्प्लीटली फाइन हूँ, अगर ये नहीं दिख रहा है कि अरे ये तो हमेशा 48 ही होने वाला था, मैंने चार सिनेरियो क्यों बनाए, मेहनत के लिए बनाए, प्रैक्टिस के लिए बनाए, वार्म अप के लिए बनाए, लेकिन ये इनसाइट भी दिखनी चाहिए। कई बार हो सकता है काम थोड़ा मेरा ये इनसाइट लगा के जल्दी हो जाए, राइट। तो आज के सेशन के लिए जो थोड़ा सा आई थिंक एफर्ट वाइज कंपेयर टू द प्रीवियस टू वीडियो थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा दिमाग पे लोड आया होगा, लेकिन होपफुली अब तक ये टॉपिक आपकी पॉकेट में आ चुका होगा, नॉट पूरा टॉपिक बट फाउंडेशन क्या है, गेम कैसे खेलते हैं। अब आप 10 प्रॉब्लम और ट्राई करेंगे तो आप इसे परमानेंटली बोल सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक मैंने मास्टर कर लिया। ये टॉपिक मतलब ये सब टॉपिक नंबर निकालने वाला, जब आपको फैक्टर्स दिए हों, एटलीस्ट फाउंडेशन तो प्लेस में आई गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, सी यू सून इन द नेक्स्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड वीडियो, जहाँ पे ऐसे गेम और खेले जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और फिर जाएंगे हम प्लेसमेंट ऑफ फैक्टर्स पे, कि अगर मैं किसी एक नंबर के सारे फैक्टर्स लूँ और उन्हें लिनियरली अरेंज करूँ तो उनमें क्या पैटर्न इमर्ज होते हैं, और उसकी वजह उसकी उसका कहाँ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहाँ एप्लीकेशन लगता है, जो थोड़ी दिखती है अलजेब्रा जैसी है बट है नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम, राइट। तो होपफुली जब वो तो जब जर्नी स्टार्ट होगी तो आसानी होगी, बट आज के लिए इतना ही। होप यू हैड अ लॉट ऑफ फन एंड लर्न समथिंग, एंड आई विल सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट सेशन।